खबर राजधानी देहरादून से है, जहां हिंदी दिवस के अवसर पर आईआरडीटी प्रेक्षागृह सर्वे चौक में उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं सीएम धामी ने इस अवसर पर भाषा संस्थान की पुस्तक उत्तराखंड की लोक कथाओं का विमोचन किया, साथ ही कविता लेखन में श्रेष्ठ रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने भाषा के उत्थान व संवर्धन के लिए कई काम किए हैं। राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। इसी क्रम में भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार साहित्यकारों को साहित्य भूषण पुरस्कार देगी, जिसमें पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हिंदी का प्रचार और प्रसार हो, नई पीढ़ी में लगातार ये विरासत की तरह आगे बढ़ती है, उसके लिए हमने बहुत सारे काम पहले से भी किया है। साहित्य गौरव सम्मान हमने शुरू किया है, साहित्य भूषण हम अब करने जा रहे हैं और जल्दी 5 लाख रुपए तक की धनराशि उस पुरस्कार में हमने उसका प्रावधान कर रहे हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी हम हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए वहाँ भी आगे के प्रस्तावित उसको आगे के लिए कर रहे हैं, जिससे कि ऐसे हमारे साहित्य के क्षेत्र में भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे साहित्यकारों को जिन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में काम किया है उनका प्रोत्साहन भी हो और लोग उनसे प्रेरणा लें और उनके जीवन में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, विशेषता प्राप्त की है, उसका भी प्रचार प्रसार हो, अन्य लोग भी उससे प्रेरणा लें।